यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गैजेट क्या है, तो आपका आंसर होगा मोबाइल। क्योंकि सारी दुनिया ही सिमटकर उस मोबाइल में आ गई है, हमारे लगभग सारे काम उस मोबाइल में हो जाते हैं। और जब हम मोबाइल का लगातार यूज करते हैं, तो उसकी बैटरी क्या होने लगती है? डिस्चार्ज होने लगती है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? उसे चार्जर से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिससे वो फिर से चार्ज हो जाती है। जब बैटरी चार्ज हो जाती है, तो आप फिर से उससे सारे काम लेने लगते हैं। तो बैटरी का चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, ये सब क्या है? वास्तव में ये केमिकल चेंजेस हैं। तो केमिकल चेंजेस तो कई प्रकार के होते हैं, पर जब इन केमिकल चेंजेस में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस यानी विद्युत रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ये विद्युत रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। या तो इलेक्ट्रिसिटी देने से उसमें कोई केमिकल चेंज आए, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, या फिर केमिकल चेंज होने से यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इस प्रकार का उदाहरण आपको गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल वगैरह में देखने को मिलता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उससे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, या फिर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो इस तरीके के चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। और इन दोनों प्रकार के चेंजेस से हमें दो प्रकार के सेल मिलते हैं, जिसमें से पहले वाले सेल को, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देने से उसमें केमिकल चेंजेस हुए, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और दूसरे प्रकार के सेल जिसमें केमिकल चेंजेस होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो जो सेल है, ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें दो मेटल की प्लेट्स होती हैं। जनरली कभी कभी ये नॉन मेटल भी हो सकता है, ग्रेफाइट का यूज भी करते हैं। जो ये मेटल की रॉड्स हैं, वो किसी इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में डिप होती हैं, और ऊपर इन इलेक्ट्रोड को हम एक वायर से कनेक्ट करके पूरे इस सिस्टम को बनाते हैं। ये तो हमने सेल देखा। तो हम सेल को और डिटेल में जानने के पहले, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोड को। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जब किसी मेटल को उसी मेटल के आयन वाले विलयन में रखा जाता है, तो इस संपूर्ण व्यवस्था को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, या इसे ही हम अर्ध सेल या हाफ सेल कहते हैं। जैसे हमने एक जिंक का रॉड लिया, और उस जिंक की रॉड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये रॉड किसकी बनी हुई है? मान लीजिए ये जिंक की बनी हुई है। तो जब किसी मेटल की रॉड को उसी मेटल के आयन वाले सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रिएक्शन होंगी, कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, और वो केमिकल चेंजेस कुछ इस तरीके से होंगे कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन खोकर मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में चली जाती है। तो यहाँ जो जिंक की रॉड है, इसमें से जिंक दो इलेक्ट्रॉन निकालता है और जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन क्या है? एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिस इलेक्ट्रोड पर होती है, उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड। क्या कहा जाता है? एनोड। ठीक है, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रोड के टाइप्स में पहला टाइप है एनोड, यानी वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनोड। अब एक और इलेक्ट्रोड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। तो कैथोड क्या होता है? तो जब किसी मेटल के सॉल्यूशन में वो मेटल की रॉड डिप होती है, तो हम क्या कह रहे हैं? उसे इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। पर मान लीजिए ये मेटल जो है वो किसका है? मेटलिक रॉड, ये कॉपर की है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है।
कॉपर सल्फेट से ये कॉपर आयन निकलकर कहाँ चले जाते हैं? ये आयन इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और कॉपर बना लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन से कॉपर आयन कॉपर रॉड पर क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया है। क्यों है अपचयन अभिक्रिया? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोड देखे, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो जो इलेक्ट्रोड जिस पर की रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। अब जो हमारा सेल होता है वो पूरा सिस्टम दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है, यानी उसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो एक हाफ सेल में क्या होता है? एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन होता है। तो जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम एनोड कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड जिस पर की रिडक्शन हो रहा है उसे हम कैथोड कहते हैं। और जब एनोड और कैथोड को हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं और पूरा परिपथ सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है? वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। अब यहाँ हम यदि गैल्विनिक सेल का एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गैल्विनिक सेल होता है वो जिंक कॉपर सेल कहलाता है। मतलब उसमें क्या कौन कौन है? जिंक और कॉपर। इन दोनों हाफ सेल को हम क्या करते हैं? एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। और इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर डायग्राम दिखेगा, जिसमें जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है, और दोनों को हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करके रखा हुआ है। और देखिए आप, एनोड से कैथोड की ओर हमने मेटलिक रॉड वायर लिया है और उससे वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्या होता है, इन दोनों हाफ सेल में कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, और उन केमिकल चेंजेस के दौरान इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का बहना ही तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं और उन केमिकल चेंजेस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, इसलिए इस प्रकार के सेल को हम गैल्विनिक सेल कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? हम इन दोनों हाफ सेल की, यानी एनोड पर होने वाली रिएक्शन और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? एड कर देंगे, तो हमें टोटल सेल रिएक्शन मिल जाएगी।